नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बोल बोल। दोस्तों, आज का वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऑटो चेंजओवर स्कीम के बारे में समझाने वाला हूं। आप में से कईयों ने मुझे मैसेज करके पूछा, फोन करके पूछा कि सर हमको बता दीजिए कि ऑटो चेंजओवर स्कीम कैसा काम करता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ऑटो चेंजओवर स्कीम के बारे में समझाता हूं। ऑटो चेंजओवर स्कीम क्यों जरूरी होता है, उसका जो सिलेक्टर स्विच रहता है ऑटो मैनुअल एंड इंडिपेंडेंट, उसका काम क्या है, और फिर ट्रिप सिलेक्शन स्विच का काम क्या है, ऑटो चेंजओवर कब जरूरी होता है, इसके बारे में पूरा आपको डिटेल में समझाने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मैं आपको हाँ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सिंक्रोनाइजेशन कैसे किया जाता है, चेंजओवर कैसे होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम के लिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं वो सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंच जाए दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कंप्लीट बोर्ड अभी चार्ज में है और बहुत सारा ड्राइव दोनों सेक्शन का चल रहा है। तो बोर्ड का ये जो सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है कैसे किया जाता है, और ये ऑटो चेंजओवर कैसे काम करता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों, ये स्कीम को समझने के लिए आपको ये सिंगल लाइन डायग्राम को समझना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं हर एक पीएमसीसी में दो इनकमर है और एक बस कपलर है, यानी सेक्शन ए को आप बस कपलर 1 के जरिए चार्ज करेंगे, सेक्शन बी को आप लोग इनकमर 2 के जरिए चार्ज करेंगे, और बीच में रहता है हमारा बस कपलर। इनकमर 1 में सप्लाई है कि नहीं हम कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमारा लाइन पीटी रहता है। लाइन पीटी में एक वोल्टमीटर रहता है, तो उसी वोल्टमीटर को देख के हम पता लगाएंगे कि इनकमर 1 में सप्लाई आया कि नहीं। अगर इनकमर 1 में सप्लाई नहीं आएगा, ब्रेकर को क्लोज करने से कुछ भी फायदा नहीं। पहले हमको मालूम रहना चाहिए कि हमारा इनकमिंग में सप्लाई आ गया, उसके बाद हम लोग ब्रेकर को क्लोज करेंगे। ब्रेकर क्लोज करने के बाद फिर हमारा बस चार्ज होगा। सेम सिमिलरली हमारा इनकमर 2 के लिए भी सेम रहता है। पहले इनकमर 2 में सप्लाई है कि नहीं वो हमको देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे, उसके लिए हमारा लाइन पीटी है। लाइन पीटी में हमारा वोल्टमीटर लगा होगा, पीटी पैनल से वोल्टमीटर को कनेक्ट किया गया होगा, और वोल्टमीटर देख के ही हम पता करेंगे कि हमारा इनकमिंग साइड में सप्लाई है। इनकमिंग साइड में सप्लाई आने के बाद हम लोग ब्रेकर को क्लोज करेंगे। ब्रेकर क्लोज होने के बाद हमारा जो दूसरा सेक्शन है वो वाला चार्ज होगा, और ये दोनों सेक्शन को हमको सिंक्रोनाइज करने के लिए एक बस कपलर की ज़रूरत है दोस्तों। तो सिंक्रोनाइजेशन क्यों किया जाता है, सिंक्रोनाइजेशन इसीलिए किया जाता है कि मान लीजिए इनकमर ट्रांसफार्मर का हमको कुछ मेंटेनेंस वर्क करना है, तो उसी दौरान अगर हम इनकमर 1 को ऑफ कर देंगे तो पूरा हमारा ये जो सेक्शन ए है, सेक्शन 1 पूरा बंद हो जाएगा। उसमें से जितना सारा ड्राइव से सारे चल रहे थे वो सारे बंद हो जाएंगे, तो हमारा प्लांट प्रोडक्शन को अफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए हम लोग उसी समय क्या करते हैं, हमारा इनकमर 1 को तो हम ऑफ करेंगे लेकिन बस कपलर को ऑन कर देंगे, तो क्या होगा कि इनकमर 2 साइड से हमारा बस कपलर के थ्रू पूरा ये सेक्शन ए चार्ज हो जाएगा, यानी एक इनकमर से पूरा कंप्लीट बोर्ड चार्ज हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्शन कुछ भी लॉस नहीं होगा। ये तो मैंने एक कंडीशन बोला, और एक रीजन हो सकता है दोस्तों। मान लीजिए आपका एक इनकमर ब्रेकर आपका क्लोज नहीं हो रहा है, मैं ब्रेकर में कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गया तो ब्रेकर आपका क्लोज नहीं हो रहा है, तो उसी समय भी आप लोग बस कपलर के थ्रू दूसरा सेक्शन से कंप्लीट बोर्ड को आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऑटो चेंजओवर क्या है, मान लीजिए एक ऐसा कंडीशन आ गया कि आपका दोनों सेक्शन चार्ज में है, एक सेक्शन का पावर फेलियर हो गया। जैसे पावर फेलियर होता है दोस्तों, उसी तरह पावर फेलियर हो गया, तो अगर उसी कंडीशन में हम लोग बोर्ड में ऑटो चेंजओवर स्कीम लगाए होंगे तो क्या होगा कि हमारा अंडर वोल्टेज में इनकमर ट्रिप हो जाएगा, और जैसे ही इनकमर अंडर वोल्टेज में ट्रिप होगा बस कपलर हमारा क्लोज हो जाएगा, बस कपलर ऑन हो जाएगा, तो हमारा कंप्लीट बोर्ड चार्ज रहेगा। यानी ये ऑटोमेटिक लोड ट्रांसफर हो जाता है 1 बस टू अनदर बस बाय ये ऑटो चेंजओवर स्कीम। लेकिन उसका कुछ कंडीशन रहते हैं, कुछ लिमिटेशन रहते हैं। मान लीजिए कुछ फॉल्ट में हमारा इनकमर ट्रिप हो गया, तो उसी समय ये बस कपलर कभी भी ऑन नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ स्पेसिफिक कंडीशन रहता है दोस्तों हमारा स्कीम के हिसाब से। तो मोटा मोटी हम आपको समझ में आ गया कि ऑटो चेंजओवर कैसा काम करता है। तो दोस्तों, ये चेंजओवर स्विच में 3 मोड रहते हैं, चेंजओवर स्विच में 3 मोड रहते हैं, यानी एक रहता है ऑटो मोड, इंडिपेंडेंट मोड, मैनुअल मोड। तो ऑटो मोड क्या है दोस्तों, इंडिपेंडेंट मोड क्या है, और मैनुअल मोड क्या है, इसके बारे में आपको समझाऊंगा। दोस्तों, जहाँ पे दो इनकमर एक बस कपलर रहता है, हमेशा आप दो ब्रेकर को क्लोज रख सकते हैं, एक ब्रेकर को हमेशा आपको ऑफ रखना पड़ेगा। जैसा कि 3 कंडीशन है दोस्तों,
फास्ट कंडीशन में अगर आपका दो इनकम और क्लोज है तो आपका बॉस्कोप्लोर ऑफ कंडीशन में रहेगा। सेकेंड कंडीशन है दोस्तों, इनकम और वन अगर क्लोज है, बॉस्कोप्लोर क्लोज है तो आपका इनकम और टू हमेशा ऑफ पोजिशन में रहेगा। थर्ड कंडीशन है दोस्तों, इनकम और वन ऑफ में रहेगा लेकिन बाकी दो को आप क्लोज कर सकते हैं, यानी तीनों ब्रेकर कभी भी एक साथ ऑन नहीं होंगे दोस्तों, एक हमेशा ट्रिप हो जाएगा। तीनों ब्रेकर कभी भी एक साथ क्लोज नहीं हो सकते। मान लीजिए आपने क्लोज कर दिया तो क्या होगा, एक ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। कैसे ट्रिप होगा, थ्रू ये ट्रिप सिलेक्टर स्विच। ट्रिप सिलेक्टर स्विच का तीन पोजीशन है, क्या क्या पोजीशन है दोस्तों, इनकम और वन को ट्रिप करना चाहते हैं तो आप ये ट्रिप सिलेक्टर स्विच को इनकम और वन पे डालिए, इनकम और टू को अगर ट्रिप करना चाहते हैं तो ये ट्रिप सिलेक्टर स्विच को आप इनकम और टू पे सेट कीजिए। अगर आपको बस कॉपलर ट्रिप चाहिए तो ये ट्रिप सिलेक्टर स्विच को आप बस कॉपलर ट्रिप पे सिलेक्ट कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मोड सिलेक्शन स्विच के बारे में समझते हैं कि ये ऑटो मोड क्या है, मैनुअल मोड क्या है और इंडिपेंडेंट मोड क्या है। सबसे पहले समझते हैं मैनुअल मोड क्या है दोस्तों, मैनुअल मोड का काम क्या है। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आपका ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करना है तो आप लोग बस कॉपलर को क्लोज करना चाहते हैं तो उसी समय आप क्या करेंगे, ये जो मोड सिलेक्टर स्विच को आप मैनुअल मोड पे डालेंगे। मैनुअल मोड पे डाल के आप लोग सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। आप किसे ट्रिप करना चाहते हैं, बॉस कॉपलर को आप लोग क्लोज करना चाहते हैं लेकिन किसे ट्रिप करना चाहते हैं, इनकमर वन को या इनकमर टू को, जिसको भी आपको ऑफ करना हो आपका ट्रिप सिलेक्शन स्विच उसी मोड पर रखना है। मान लीजिए इनकमर वन को आपको ट्रिप करना है तो इनकमर वन पर सेट कीजिए और ये मैनुअल मोड, ये सिलेक्टर स्विच को मैनुअल मोड पे रखिए। उसके बाद बस कॉपलर को क्लोज कीजिए, इलेक्ट्रिकली बस कॉपलर को क्लोज कीजिए। उसका जो TNC स्विच रहता है, TNC स्विच के जरिए बस कॉपलर को क्लोज कीजिए। आपका बस कॉपलर क्लोज हो जाएगा और साथ ही साथ इनकमर वन ऑफ हो जाएगा दोस्तों। तो ऑटो मोड क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपका दो इनकमर ऑन है और बस कॉपलर ऑफ पोजिशन में है, उसी दौरान आपका एक इनकमर में अंडर वोल्टेज में ट्रिप आ गया तो उसी समय अगर ये मोड सिलेक्टर स्विच ऑटो मोड में रहेगा तो एक इनकमर जब अंडर वोल्टेज में ट्रिप हो जाएगा तो तुरंत ही बस कॉपलर क्लोज हो जाएगा। और सिमिलरली जब भी उसी इनकमर में सप्लाई आ जाएगा तो उसी समय भी ये बस कॉपलर को ऑफ कर देगा और उसी इनकमर को क्लोज कर देगा दोस्तों। तो ये हो गया ऑटो मोड के बारे में। इंडिपेंडेंट मोड में आप सिर्फ बस डेड बस को चार्ज कर सकते हैं, यानी आपका बॉस में कुछ भी सप्लाई नहीं है, इनकमिंग साइड में सप्लाई आ गया, आप लोग इंडिपेंडेंट मोड डाल के ब्रेकर को क्लोज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली क्लोज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए हमारा बॉस कॉपलर उसी समय क्लोज कंडीशन में है, यानी हमारा बॉस में सप्लाई आ गया तो इंडिपेंडेंट मोड में आप लोग कभी भी ब्रेकर को क्लोज नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिकली क्लोज नहीं कर सकते। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकली तो हम लोग क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो मान लीजिए मैं उसको फोर्सफुली क्लोज करूँ, यानी हमारा जो क्लोज पुश बटन रहता है, क्लोज पुश बटन के जरिए मैं उसको क्लोज करने की कोशिश करूँ तो क्या होगा, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। उस वीडियो को देखिए, आप समझ पाएंगे कि अगर हम इंडिपेंडेंट मोड पर रख के बस कॉपलर को चार्ज करते हैं तो क्या होगा। बस कॉपलर को भी आप लोग इंडिपेंडेंट मोड पर इलेक्ट्रिकली क्लोज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बस में सप्लाई है, दोनों बस चार्ज कंडीशन में है। हमको चाहिए डेड बॉस को हम ओनली चार्ज कर सकते हैं। अगर बॉस में सप्लाई रहेगा तो ये इंडिपेंडेंट मोड में इलेक्ट्रिकली क्लोज नहीं होगा। इलेक्ट्रिकली क्लोज करने के लिए बॉस को डेड करना पड़ता है, डेड बॉस को ही हम लोग इलेक्ट्रिकली चार्ज कर सकते हैं थ्रू ये इंडिपेंडेंट मोड। चलिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ कि ये दोनों इनकमिंग साइड में चार्ज है, यानी बॉस उसका दोनों बॉस चार्ज कंडीशन में है। इसको मैं इंडिपेंडेंट मोड में अगर बस कॉपलर को क्लोज करता हूं तो क्या होता है, चलिए वीडियो के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों यहां पे दो सिलेक्टर स्विच है, ऊपर वाला सिलेक्टर स्विच है हमारा ट्रिप सिलेक्शन स्विच और नीचे वाला है मोड सिलेक्शन स्विच। तो हम इसको इनकमर वन को ट्रिप करेंगे तो सिलेक्शन हो गया, हम इनकमर वन पर ट्रिप सिलेक्शन दे दिए। और हमारा जो नीचे वाला सिलेक्टर स्विच है वो देखिए इंडिपेंडेंट मोड पर है। तो अभी हम बस कॉपलर को इलेक्ट्रिकली क्लोज करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रिकली क्लोज करेंगे। ये देखिए दोस्तों पूरा सर्विस पोजीशन पे है और इसका स्प्रिंग भी चार्ज कंडीशन में है। अभी इलेक्ट्रिकली हम ये TNC स्विच के थ्रू क्लोज कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल भी क्लोज नहीं हो रहा है।
हम बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये इलेक्ट्रिकली बिल्कुल भी क्लोज नहीं हो रहा है दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम इसको मैकेनिकली क्लोज करने की कोशिश करेंगे, क्या होता है देखते हैं। अभी और एक बार देख लेते हैं, थोड़ा जांच कर लेते हैं एक्चुअली क्या है। जैसे कि पूरा सर्विस पोजीशन में है, ये देखिए सर्विस पोजीशन पे है और लॉक बटन भी प्रेस नहीं हुआ है। तो चलिए क्लोज करके देखते हैं क्या होता है। अभी क्लोज कर दिए, देखिए बस कपलर ऑन हो गया दोस्तों। और साथ ही साथ ये देखिए इनकमर टू भी क्लोज कंडीशन में है। ये दोनों क्लोज कंडीशन में है, यानी इनकमर वन अभी कौन सा पोजिशन में, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों इनकमर वन ऑफ हो गया, ये देखिए इनकमर वन ये भी क्लोज में था। जैसे आप शुरू में देखे वीडियो में ये क्लोज में था, अभी ये ट्रिप हो गया दोस्तों। आज का वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि जो मोड सिलेक्शन स्विच रहता है, यानी ऑटो, मैनुअल और इंडिपेंडेंट, इनमें से चाहे आप कौन सा मोड पे भी रखें, अगर उसका कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रिकली ये क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ये आप ज़बरदस्ती मैकेनिकली क्लोज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली क्लोज करेंगे, TNC स्विच के थ्रू क्लोज करेंगे, तो उसका अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो कभी भी ये ब्रेकर क्लोज नहीं होगा और ना ही ट्रिप होगा। लेकिन अगर आप उसको मैकेनिकली क्लोज करने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती उसको पुश बटन दबा के उसको ब्रेकर को, किसी भी ब्रेकर को क्लोज कर देंगे, तो ट्रिप सिलेक्शन स्विच जहाँ पर रहेगा उसी ब्रेकर को ये ट्रिप करवा देगा। यानी किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में ये तीनों ब्रेकर कभी भी एक साथ क्लोज में नहीं रहेंगे, एक ब्रेकर हमेशा ट्रिप हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुल बुल और इंतजार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोल बुल बुल।